అరుణ హత్యకు గురైన దిశ అమాయకురాలని డ్యూటీ సర్వీస్ మైండెడ్ డాక్టర్ అని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి అన్నారు. దిశ అత్యాచార ఘటనపై జరిగిన చర్చ సందర్భంగా ఇవాళ లోక్సభలో మంత్రి మాట్లాడారు. ఇది గంభీరమైన అంశమన్నారు. ప్రాంతానికి భాషకు సంబంధం లేకుండా యావత్ దేశం ఈ ఘటనను ఖండించాలన్నారు. ఐపీసీ సిఆర్సీ సమీక్షను కేంద్ర ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్నారు. భారత సర్కార్ మహిళా అంశంలో ప్రాసిక్యూషన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కట్టుబడి ఉందన్నారు. ఉగ్రవాదం పట్ల ఎలాంటి పనులు చేస్తున్నామో అదే విధంగా నిందితులను శిక్షించాలన్నారు. వెటర్నరీ డాక్టర్ 26 ఇయర్స్ కి లడ్కి తి సిర్ఫ్ ఇన్నోసెంట్ తి ఔర్ డ్యూటీ మ్యాండేట్ తి స్టడీ మ్యాండేట్ తి और पशुओं का सेवा करती थी, किसानों का सेवा करती थी. मेरे को परिवार पहले से भी मालूम है. जैसा मेरे को मालूम पड़ा, तुरंत मैं हैदराबाद जाकर उनका परिवारों के साथ बैठा. बहुत बार सभी पुलिस अधिकारियों से लगातार संपर्क करके जैसा इंसिडेंट हुआ उसके बाद स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से DGP से लगातार बात कर रहा हूं और पुलिस कमिश्नर से बात कर रहा हूं. और ये विषय बहुत गंभीर है. आज पूरे संसद सभी पार्टी के दल पार्टी से उठकर, प्रांत से उठकर, भाषा से उठकर इस इंसिडेंट को खंडन किया है. भारत सरकार भी, ये नरेंद्र मोदी जी सरकार आने के बाद जो माइनर लड़कियों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसके लिए इसी संसद में प्रोक्स एक्ट बनाकर जो फांसी सुनाना चाहिए कंपलसरी, ऐसा एक एक्ट भी इसी संसद में आपके नेतृत्व में बनाए. और हमारा सरकार तैयार है. ये जो आईपीसी सीआरपीसी अमेंडमेंट करना चाहिए सब लोगों का चर्चा हो रहा है. अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं, BPR&D ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा पुलिस का एक डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका जिम्मेदारी दिया है आईपीसी सीआरपीसी अमेंडमेंट करने के लिए. अभी तक सभी सरकारों को चिट्ठी भी लिखे हैं, सभी सरकारों को चिट्ठी लिखकर लीगल डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को सुझाव मांगे हैं भारत सरकार की तरफ से. हमारा सरकार तैयार है, ड्राफ्ट भी रेडी है, BPR&D को जिम्मेदारी दी है. सभी आप ही लोगों से भी, आपके संसद के सामने भी हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी तुरंत लाने का प्रयास करें, चर्चा करें, प्लानिंग करें. अभी मैं चाहता हूं ऐसा इंसिडेंट पे पुलिस और एक्टिव काम करना चाहिए. अभी मैं उनका परिवार से मिला हूं, अभी ये समय है नहीं है. आज सारी